नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर वन न्यूज चैनल पब्लिक टुडे न्यूज। पब्लिक टुडे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है, देश भर की बड़ी खबरें पाने के लिए पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपको देश भर की बड़ी खबरें सिर्फ एक क्लिक पर सबसे पहले मिल पाए। जी हाँ, पेश करने जा रहा हूँ देश भर की बड़ी खबरें और मोदी सरकार के केब को लेकर क्या नया कानून पास होने वाला है और गैस सिलेंडर को लेके गरीब को क्या क्या तोहफे मिलने वाले हैं, सभी चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ताकि आप कोई भी खबर मिस ना कर पाए। जी हां, देश की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से जो है जूझ रहा है। बुंदेलखंड में 24 घंटे में 8 लोगों की ठंड से मौत भी हो चुकी है। जी हां, टोल नाकों पर लंबी कतार, खत्म करने प्रीपेड भुगतान व्यवस्था, अगले 5 साल में 2000 करोड़ से प्रदेश में बनेंगे 400 पुल। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर, सेल और रिलायंस ONGC को लुटाएगी पन्ना मुक्ता तेल गैस क्षेत्र। जी हां, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी की बड़ी खबर, निगासन उप जिलाधिकारी ने पुलिस फोर्स के साथ सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जी हां, महिंद्रा एंड महिंद्रा की सबसे बड़ी खबर आई है कि आनंद महिंद्रा छोड़ेंगे चेयरमैन का पद, अनिशा साहब बनेंगे MD CEO आने वाले महिंद्रा ग्रुप के। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर, जयपुर बम धमाका मामले में 4 आरोपियों को फांसी की सजा, ब्लास्ट में उस टाइम 80 लोगों की मौत हुई थी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली से सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के 2 स्टेडियम बने अस्थाई लोकअप, 400 लोगों को किया हिरासत में। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में इंटरनेट सेवा बंद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में इंटरनेट सेवा काफी दिनों से बंद है, तो हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। सरकार ने बढ़ते हुए हिंसक प्रदर्शनों से जो है ये सेवा यूपी में बंद की थी। जी हां, जयपुर बम ब्लास्ट केस के 4 दोषियों को फांसी की सजा हो चुकी है, कोर्ट उन्हें बहुत ही जल्द जो है सजा सुनाने के बाद बहुत ही जल्द उनकी फांसी भी होने वाली है। जी हां, मध्य प्रदेश में बारिश के आसार, बढ़ेगी सर्दी। जी हां, आपको बता दें कि CCTV लगाने में लाखों के घोटालों का आरोप हुआ। जी हां, दिल्ली सरकार के अंदर जो है सरकारी स्कूलों में या पब्लिक प्लेस पे CCTV लगाने में लाखों का घोटाला का पर्दाफाश हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि एक साल में प्रदेश में बड़े 7 लाख बेरोजगार। जी हां, भोपाल मध्य प्रदेश से काफ़ी रिपोर्ट आई है कि प्रदेश के अंदर, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर जो है एक साल 7 लाख बेरोजगार बढ़े एक साल के अंदर। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर, अगर आप दिल्ली से हैं तो ध्यान दें, सभी मेट्रो स्टेशन खुले हैं, सभी मेट्रो स्टेशन खुल चुके हैं। जी हां, आपको बता दें कि नीतीश कुमार बोले बिहार में NRC का क्या काम। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के अंदर NRC का क्या काम है। जी हां, आपको बता दें कि बॉलीवुड से बड़ी खबर, कंगना रनौत की बहन अब खिसियाकर फोर्ब्स मैगजीन को नोचने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में जब बुलंदशहर में फूंक दी गई पुलिस जीप, कानपुर, फरुखाबाद और मुजफ्फरनगर में भी काफी बवाल मचा हुआ है। सरकार नागरिकता कानून को लेकर दोबारा फिर से विचार करने वाली है, CAA को लेकर या कैब को लेकर नागरिकता बिल के अंदर दोबारा से संशोधन किया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि सीलमपुर हिंसा के दौरान पेट्रोल पंप फेंकने वालों की हुई पहचान, पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया। जी हां, आपको बता दें कि गुजरात में दूर संचार सेवाएं 22 दिसंबर तक अस्थायी तौर पर बंद, हिंसा होने पर सरकार ने उठाया कदम। जी हां, अगली सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदर्शन की वजह से 10 मेट्रो स्टेशन बंद, नहीं रुक रही है ट्रेनें और काफी स्टेशन बंद भी किए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि देश भर के अंदर जो है CAA को लेकर काफी विरोध हो रहा है, सरकार इस पर बहुत ही जल्द जो है नया फैसला ले सकती है। जी हां, आपको बता दें कि इंडिया में जो है पैराग्लाइडिंग के मजे स्टार्ट हो चुके हैं, आप इंडिया के अंदर पैराग्लाइडिंग के मजे ले सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहे प्रो PM नवाज शरीफ। जी हां, आपको बता दें कि बाकी देशों में बेहतर स्थिति, भारत चालू वित्त वर्ष के अंत में GDP बढ़त 4.6% रहने का अनुमान। जी हां, GDP को लेकर बड़ा खुलासा कि 4.6% बढ़त रह सकती है। जी हां, कोहली एंड कंपनी ने कटक वनडे से पहला लिया ब्रेक। जी हां, आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है, फिर से जो है फिंच ने फिर से घटाया GDP का अनुमान, 4.6% रहेगी विकास दर। जी हां, 3 दिन की तेजी के बाद सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन जो है सपाट बाजार बंद हुआ। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बना सकते हैं आतंकी, IAS से बड़ी खबर आई है कि प्रधानमंत्री मोदी जो आतंकी को नया निशाना हो सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि संसद में लैपटॉप मोबाइल के उपयोग को मिल सकती अनुमति, स्पीकर बिरला बना रहे हैं नई योजना। जी हां, आपको बता दें कि झारखंड इलेक्शन का जो 5वें चरण का मतदान पूरा हो चुका है और झारखंड के अंदर सभी पार्टियां दावे कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी। जी हां, 1000 सीटों वाली लोकसभा बनी तो क्या होगा फायदा। जी हां, नागरिकता कानून पर पूरे यूपी में बवाल, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर, फिरोजाबाद समेत 3 जिलों में पथराव और फायरिंग की जा रही है। जी हां, छुट्टियों से पहले छुट्टी बिता रहे हैं शाहरुख खान, छुट्टी भेज रहे हैं। जी हां,
आपको बता दें कि BSNL ने पेश किया जबरदस्त प्लान, मात्र 109 रुपए में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 5GB डेटा 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है, यानी 3 महीने का छुटकारा मिल रहा है आपको 109 रुपए में। BSNL का जबरदस्त प्लान आ चुका है। जी हाँ, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, आपको उचित जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, सरकार नई योजना लेके आ रही 2020 के अंदर, जो परिवार गरीब है जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है उनको गैस सिलेंडर सरकार 201 रुपए में बिना सब्सिडी के प्रोवाइड करने वाली है, यानी आपको 50% डिस्काउंट पे, फिलहाल जो गैस सिलेंडर का रेट है उससे 50% डिस्काउंट पे आपको गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पब्लिक टुडे न्यूज, पब्लिक टुडे न्यूज की इस वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि आपको देश भर की बड़ी खबरें सबसे पहले मिल पाए।